आप सबका मेरे शो जज्बाते शायरी में। और जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि मेरे साथ इस बार होंगी एक बहुत ही प्यारी सी शायरा जो लिखती भी सुंदर है और दिखती भी सुंदर है। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम बात करते हैं मिसेज शालिनी पुनिया से। तो शालिनी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी नई शादी हुई है अभी उसके लिए। और कैसा लग रहा है शालिनी आपको यहाँ आके? थैंक यू सो मच प्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड इट इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो बहुत ही वार्म वेलकम हुआ है। थैंक यू। और शालिनी, तो शो की जो शुरुआत है वो करते हैं आपकी राइटिंग से। तो पहले, सबसे पहले एक शेर हो जाए आपका लिखा हुआ, मतलब बढ़िया सा शेर हो जाए। वैसे सब शेर बढ़िया होते हैं आपके, लेकिन एक शेर से स्टार्ट करते हैं। एक मेरी स्टार्टिंग लाइन है, जब भी मैं कहीं जाकर अपनी शायरी या कुछ भी पोइट्री सुनाती हूँ तो मैं ये जरूर बोलती हूँ, तो आज मैं यहाँ पे भी उसी से शुरुआत करूंगी। जी। जज्बात मीठे कड़वी जुबान, जज्बात मीठे कड़वी जुबान, सच कड़वा है पर पीना जरूरी है, गमों को नजरअंदाज कर जीना जरूरी है। वाह, क्या मतलब, खूब कहा है आपने कि जिंदगी में कुछ चीजों को, सभी चीजों को नहीं, मतलब कुछ चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए, है ना, तभी जिंदगी चलती रहती है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही बातें चलती रहेंगी शालिनी के साथ, और आगे हम उनकी राइटिंग्स के बारे में बातें करेंगे, उनसे और शायरी सुनेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आप 107.8 FM देशभगत रेडियो, आपकी आवाज। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में, और मेरे साथ हैं शालिनी पुनिया। तो शालिनी, शायरी और शालिनी, मतलब शायरी कब स्टार्ट करी, कब लगा कि मुझे लिखना चाहिए? वैसे जब से मैं स्कूल में थी तब से मैं लिख रही हूँ। मतलब मैं डिबेट कॉम्पिटिशन, डेक्लामेशन ये हमेशा करती थी। मुझे स्टेज इतना पसंद था कि मुझे हमेशा से स्टेज पे रहना पसंद था। स्टेज और माइक दे दो, बस शालिनी वहीं पे मिलेगी आपको। तो वैसे करते 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 मैंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करी, उसके बाद मेरी जॉब लग गई। फिर मैं एक दिन ऐसे बैठी थी कि कहीं ना कहीं आई यूज टू मिस दिस थिंग कि मैं लिखती थी, मैं बोलती थी, तो बस उस दिन मुझे आया। एंड इट वॉज इन 2017, आई स्टिल रिमेम्बर 2017। तब मेरे पास सब कुछ था, नौकरी थी, आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब, आई वॉज लाइक आई एम वेल सेटल्ड। बट एक कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि आपको जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी थी, डायरी, वो रह रही थी। हाँ। तो बस फिर एक दिन से ऐसे मैं उठी और मैंने लिखना शुरू करा। मैंने डायरी उठाई और पेन उठाया और मैं निकल चली, मतलब उस सफर पे। हाँ। लिखने के सफर पे। और बहुत अच्छी चीज ये हुई मेरे साथ कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो चंडीगढ़ में ओपन माइक्स होने शुरू हो गए। बिल्कुल। और वैसे वैसे मुझे ऑफर्स आने लग गए। बस फिर वो रेल की गाड़ी धीमे 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 चलते रहे और आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। और शालिनी, मेरे को याद है कि एक ओपन माइक था जिसमें हम दोनों साथ में थे, और उस ओपन माइक में आपने एक कविता सुनाई थी, मेरा लाइनर मेरी लिपस्टिक, जो मतलब वायरल भी हुई थी बहुत, और लोगों ने मतलब बहुत बहुत ही सुना था उसको। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो कविता जो है वो हमारे लिसनर्स को सुनाएं। जरूर प्रिया। हाँ, मुझे वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। ये मेरी पहली पोएट्री थी और मैंने पहली बार स्टेज पे बोली थी, और जिसकी वजह से मुझे आज ओपन माइक की फील्ड में सब वो काजल लाइनर गर्ल बोला जाता है। हाँ, काजल। सो मैं जरूर सुनाऊंगी, मैं उसको आपको एक उसका पैरा जरूर सुनाऊंगी जो मेरा भी फेवरेट है। हम एक नहीं, हम दो सुनना चाहेंगे। जरूर जरूर। तो मैं शुरू करती हूँ। बिल्कुल। तो आखिर क्यों सुनूं मैं इस जमाने की, हाँ आखिर क्यों सुनूं मैं इस जमाने की, कोई जरा बताए मुझे कि मैं क्यों सुनूं इस जमाने की, जो कहता है मुझको कि तुम हो ऐसी, तुम हो वैसी। अरे भूल क्यों जाते हैं ये लोग कि मैं भी तो मखलूक हूँ उसी रब की, खुश हूँ पर सुकून हूँ कि जो उसने रंगत दी। अरे देखो जरा उनको जिनको कम दिया, मुझे तो हर तरफ से भरा दिया। मेरा काजल मेरा लाइनर मेरी ये लिपस्टिक, सुन रहे हो, मेरा काजल मेरा लाइनर और मेरी ये लिपस्टिक, नहीं किसी को रिझाने को। मैं तो
खुद के लिए सचती हूँ, खुद को दिखाने को, अपने अपने पिता का अभिमान हूँ भार नहीं, अपने पिता का अभिमान हूँ भार नहीं, करती हूँ मन की चाहे ये दुनिया कहती रहे कि ये लड़की तो किसी की सुनती ही नहीं। जब लोगों के लिए मैंने नहीं जन्म लिया, जब लोगों के लिए मैंने नहीं जन्म लिया, तो कर्म उनके लिए हो ये कैसे और किस हक से सोच लिया। वाह शालिनी, मतलब बहुत ही खूबसूरत कविता आपने जो सुनाई है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो शायरी है ना उसमें एक बेबाकी सी है। आप कुछ ऐसी चीजों को बहुत इजीली बोल देते हो, कुछ ऐसे मुद्दों को आप इजीली कह देते हो जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। और इस कविता से ऐसा लगता है कि हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए, जरूरी नहीं कि हम किसी और के लिए सजे या सवरे, हमें खुद के लिए भी सजना सवरना चाहिए, है ना। तो शालिनी से ये बातें और उनकी शायरी ऐसे ही चलती रहेगी। आप सुनिए अभी ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना और सुनते रहिए 107.8 FM देशभगत रेडियो, आपकी आवाज। हाथों की लकीरों से अक्सर एक सवाल है, हाथों की लकीरों से अक्सर एक सवाल है, जब सब कुछ लिखा है तो फिर कैसा बवाल है। आप सुन रहे हैं आरजे पिया को जज्बाते शायरी में, और मेरे साथ हैं शालिनी। तो शालिनी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे कि पेंटिंग आप करती हैं, ठीक है, जॉब आप करती हैं, लिखती इतना अच्छा आप हैं, और आप स्टडी भी कर रही हैं, है ना। तो कैसे मैनेज करते हो आप ये सब, लिखने का टाइम कैसे निकाल पाते हो? लिखना इज समथिंग विच आई लव। ओके, अब जॉब तो मजबूरी है, विच इज अ फैक्ट कि सबको मजबूरी के लिए जॉब करनी पड़ती है। कई लोग काफी खुश भी है, बट हाँ ठीक है, आई लव माई जॉब, आई कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। तो 9 to 5 मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ जी, जिस टाइम पे मैं कुछ और नहीं कर सकती, सिर्फ जॉब कर सकती हूँ। और 5:30 to 9 o'clock तक मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्या बात है। और फिर 9:30 के बाद मैं एक होम मेकर बन जाती हूँ घर आके, मतलब खाना वाना सब बना लेती हूँ। हाँ, सब कुछ बना लेती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड मुझे ये सब करने नहीं देते, बट स्टिल मैं कर लेती हूँ, कुछ इसमें वो नहीं लगता मुझे। उसके बाद आता है लिखना। लिखना इज समथिंग कि मैं कभी भी फ्री बैठी हूँ, सैटरडेज है, संडेज है, मेरे को जब भी टाइम मिलता है, कुछ भी मेरे दिमाग में आता है, मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। कभी कभी तो ये हो रहा है कि मैं सो रही हूँ और एकदम से मुझे कुछ ख्याल आया, मैं उठ के उसको फटाफट लिख लेती हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार जैसे आप किचन में होंगे तो आपको कुछ ऐसा थॉट चल रहा होगा, तो क्या आपने दीवारों पे ऐसे चिप बना के लिखा है कि ये वाला थॉट ऐसे आया? और वो स्टिकी नोट्स नहीं होते जो हमेशा हम फ्रिज पे लगा के रखते हैं। इवन समटाइम ये भी हुआ कि आई एम ऑन अ कॉल, मैं एक कॉल पे हूँ और मैं मेंटली कहीं और हूँ, और मैं लेकिन उस कॉल पे बात भी करी और मुझे कुछ याद आया, तो मैं वो उन्हें बोलूंगी कि आई विल कॉल यू बैक, और मैं फटाफट जो भी मेरे दिमाग में आया ना वो लिखना शुरू कर देती हूँ। हाँ ये बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार हम किचन में खड़े हैं तो हमारे दिमाग में थॉट आ जाता है। हम कई बार तो ऐसा होता है कि हम सो रहे हैं लेकिन हमें ना सोते सोते अचानक हमारे दिमाग में कोई लाइन आ जाती है और हम उसी टाइम उठ के ऐसा लिख लो, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है आप किचन में कुछ आपको याद आता है, आप फटाफट उसे लिखने जाते हो, लेकिन जब आप लिखने लगते हो आप भूल जाते हो, फिर आप ऑल द वे बैक टू किचन जाते हो ताकि वो आपको याद आए। ये चीज तो बहुत कॉमन है, फिर आप उसको याद करते हो, अरे वो क्या था, आप फिर से उसे लिखते हो। मतलब ऐसा है कि जिस चीज से आपको प्यार है करने में तो आप उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। ये तो चलिए इस बात पे एक और कविता हो जाए आपकी, जरूर चलिए सुनाइए। फिर खोलिए अपनी डायरी का पिटारा। ये एक कविता नहीं है, ये एक मैंने ऐसे बैठे बैठे लिख लिया था, ये मैंने अपनी शादी से बहुत पहले लिखा था जी। तो ये मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। मैं रूठूं अगर तुमसे तो मना लोगे क्या, मैं रूठूं अगर तुमसे तो मना लोगे क्या, हाथ थाम के जिंदगी भर का साथ निभा लोगे क्या। उलझ गए हैं बाल मेरे, उलझ गए हैं बाल मेरे, तुम इन्हें सुलझा दोगे क्या। बहुत आम सी लगने लगी हूँ खुद को, बहुत आम सी लगने लगी हूँ खुद को, तुम मुझे खास बना दोगे क्या। थक सी गई हूँ अपने इश्क के इजहार करते करते, थक सी गई हूँ अपने इश्क का इजहार करते करते, अब तुम मुझे अपनी बना लोगे क्या। थाम के हाथ मेरा अपनी बाहों में भर लोगे क्या। सुनो
मैं रूठूं अगर तुमसे तो मना लोगे क्या। वाह, मतलब बहुत ही क्यूट सी कविता है ये, है ना। हाँ, ये बहुत क्यूट सी है, तो शायद मुझे इतना कुछ याद नहीं है ये मैंने क्यों लिखी थी, बट इतना चलो गहराई में तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ ये बैठे बैठे आई गेस विद इन अ सेकंड मैंने बस सोची और लिख दी। वाह क्या बात है। मतलब तो शालिनी से ऐसे ही बातें चलती रहेंगी, आगे हम सुनेंगे और भी उनकी कविताएं, उनकी नज्में और उनके शेर। तब तक आप सुनिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना और मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए 107.8 FM देशभगत रेडियो, आपकी आवाज। कम बैक टू द शो जस्ट बातें शायरी विद आरजे पिया। और मैं अपने लिसनर्स को एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी मेरे इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए 9501095010 पर अपना नाम और अपना भेज दीजिए मुझे ओरिजिनल कंटेंट जो आपने लिखा है। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं जो कि है RJPRDBR। तो हम अभी बातें कर रहे हैं शालिनी से। तो शालिनी मुझे एक बात बताइए कि कौन सी एक ऐसी कविता है जो आपके दिल के बेहद करीब है। मतलब अमूमन जैसे आप बैठी होती हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार आज डायरी खोल के मैं ना ये वाली कविता पढ़ती हूँ, तो वो सुनाइए हमें। हाँ ऐसी तो वैसे बहुत सी कविता है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर मैं देखूँ तो मैंने जिंदगी पे लिखी थी। ओके। क्योंकि जिंदगी एक ऐसी है जो हर कोई इंसान अपने से उसको जोड़ सकता है, वो एक ऐसी कविता थी जो मैंने लिखी थी जिंदगी के ऊपर, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर है क्या ये जिंदगी। ओके, तो शुरू करते हैं, सुनाइए जिंदगी पे। तो ये मैंने लिखी थी, दिल मान नहीं रहा था और दिमाग में एक अलग ही उलझन थी। दिल मान नहीं रहा था और दिमाग में एक अलग ही उलझन थी। वाह। समझना था उसको पर फिर भी समझ उसका कोई अंदाज नहीं आ रहा था। वाह। फिर कहा उसने, समझना बहुत आसान है मुझे, बचपन हूँ जवानी हूँ, क्या बात है, बुढ़ापा भी हूँ, कह लो तो एक छोटा सा अरमान हूँ। इतने सवालों के बाद दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश हुई कि आखिर क्या है ये जिंदगी, क्या कोई इत्तेफाक है जिंदगी या कोई जज्बात है जिंदगी। क्या बात है। नहीं नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं, ना ही कोई गहरा राज है ये जिंदगी, ये तो समझ है, फर्क है जो दो शब्दों का, जिंदगी और जिंदगी जीना। जिंदगी जीने का सलीका है जिंदगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो पैसों के पीछे भागना है जिंदगी, या वो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अब्रॉड चले जाना है जिंदगी, वो मुसीबतों से हारना है जिंदगी या उससे लड़ना है जिंदगी। क्या बात है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिंदगी बहुत ही हसीन है। मेरे ख्याल से दो बिछड़े दोस्तों का मिलना और वो महीनों तक किसी का इंतजार करना है जिंदगी, रोज सुबह की वो चाय की चुस्की है जिंदगी, सारी दुनिया को भुलाकर बस खुद में गुम हो जाना है जिंदगी, वो पत्तों का झड़ना है जिंदगी, वो फूलों का खिलना है जिंदगी, सर्दी की ठिठुरन और बसंत का हसीन मौसम है जिंदगी, कभी कभी माँ का प्यार तो कभी पापा की वो फटकार है जिंदगी, कुछ लम्हों की प्यारी सी याद है जिंदगी। वाह क्या बात है। मतलब शालिनी आप ना ये कविता में आप ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी के सारे पहलुओं को जो आपने कवर कर लिया है कि बचपन बुढ़ापा, और ये नहीं है कि हम जिंदगी को उम्र के साथ डिफाइन कर सकते हैं, हम जिंदगी को एक एक पल के साथ डिफाइन कर सकते हैं कि हम किसी दोस्त से मिलते हैं तो उस पल में जो खुशी मिलती है दैट इज लाइफ, वो जिंदगी है, वो जिंदगी है। और अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं तो वो जिंदगी है ना। हर पल एक जिंदगी है, बस उसे जीने का तरीका और उसको समझना आना चाहिए, तो उसी को हम सलीका बोलते हैं कि ये सलीका है जिंदगी, जिंदगी को जीने का सलीका है जिंदगी। हाँ, जिंदगी को जीने का सलीका है जिंदगी।
तो आप भी इस तरीके से रूबरू होते रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर पल को एंजॉय करना सीखिए। तो शालिनी के साथ ऐसी ही बातें चलती रहेंगी इस ब्रेक के बाद, तो सुनते रहिए 107.8 FM देशभगत रेडियो, आपकी आवाज। स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में, और मेरे साथ आज जुड़ चुकी हैं शालिनी पुनिया, जिनसे हम उनकी शायरी सुन रहे हैं। बहुत ही मतलब खूबसूरत सी शायरी सुना रहे हैं वो हमें। और शालिनी एक और शेर हो जाए। शालिनी, मैंने एक ओपन माइक में आपकी शायरी सुनी थी, उसमें आपने एक शेर बोला था जो कि फैसले के ऊपर था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था वो शेर, तो मैं आपसे वो शेर दोबारा से सुनना चाहूंगी आज और अपने लिसनर्स को भी सुनाना चाहूंगी। हाँ जी पिया, मुझे याद है वो। वो मेरा एक बहुत ही पर्सनल फेवरेट शेर है जी। तो वो ऐसे था, फैसले फैसले सब अपने हक में पढ़े तुमने, वाह, फैसले सब अपने हक में पढ़े तुमने, खुद को खुदा मान बैठे हो क्या। क्या बात है, मुझे ना ये शेर मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। और शालिनी, चलो अब बात हम थोड़ा सा करते हैं आपके बारे में कि जैसे अब आपकी शादी हो गई है, ठीक है, तो अब आपकी फैमिली में स्पेशली आपके हस्बैंड, तो क्या क्या रिएक्शन रहता है आपकी शायरी पे उनका? सुनते हैं वो आपकी शायरी, तो कैसे क्या रिएक्शन देते हैं ये बताइए आप। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत ही बिजी पर्सन है, okay. वो बहुत बिजी रहते हैं। आई थिंक हस्बैंड बिजी रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत ही फ्री हूँ, बट हाँ ये समवन जो मुझे हमेशा से मोटिवेट करता है, शायद आज nice. अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं अभी भी पढ़ाई भी कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ और लिख भी रही हूँ, मैं पेंटिंग भी कर रही हूँ, मैं शौकिया तौर पे टैरो रीडिंग्स भी करती हूँ, वो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, पेरेंट्स तो है जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के बाद एक जो इंसान आता है ना जो तुम्हारे को हमेशा सपोर्ट करता है, वो मेरा हस्बैंड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं हार भी रही हूँ या मैं कहीं स्टेज पे भी हूँ तो लाखों करोड़ों लोग भी होंगे, उसमें से एक जो चीयर लीडर होगा वो मेरा हस्बैंड ही होगा, एंड विद हिज रिस्पेक्ट आई एम हियर। एंड हाँ, वो सुनता है, वो बहुत खुश होता है सुन के, okay. कई बार उन्हें समझ भी नहीं आती है इतनी हिंदी, फिर भी मतलब वाह वाह कर रहा है, फिर भी वो वाह वाह करता, चाहे झूठी सही बट वो करता है। फिर पूछते हो मतलब समझ में आया इस बात का, तो बोलते कि तूने इतने प्यार से बोला, हाँ हाँ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। क्या बात है, मतलब ऐसा होना चाहिए, है ना, मतलब कह सकते हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं वो आपकी बैकबोन हैं, हाँ. आपको सपोर्ट करते हैं हर चीज पे, तो इसी बात पे एक शायरी हो जाए, मतलब कुछ नज्म हो जाए आपकी, कोई कविता। एक हाँ. कविता थी आपकी, वो भी मैंने ओपन माइक में सुनी थी, उसका नाम था कंफ्यूजन, है ना, वो हाँ. वो सुनाइए आप। कन्फ्यूजन जो थी वो मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए लिखी थी। ओके। फ्रेंड एज इन मेरी एक फ्रेंड थी, एंड उस टाइम पे वो एक ब्रेकअप से गुजर रही थी जी। तो बस मैं ऐसे ही बैठी थी और मुझे लिखने का मन किया, तो बस मैंने जो भी उसके साथ हुआ वो सब उतार दिया, okay. लेकिन इतनी नजाकत से उतारा कि किसी को ना उसको पता चला, okay. ना मुझे आज तक पता चला कि हाँ, बट हाँ ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो मैंने लिखी थी, जो मैंने हिंदी और इंग्लिश के मिक्सचर से लिखी थी। तो सुनाइए, हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे और लिसनर्स को भी सुनाना चाहेंगे। मैं आपको इसका एक फर्स्ट पैरा बताऊंगी जिसमें मेन चीज है, फिर उसके बाद मैं आपको बीच में से बताऊंगी, हर एक मेन चीज मैं आपको उसकी बताऊंगी ताकि वो सबको समझ भी आए जी। सो ये एक स्टोरी है कन्फ्यूजन पे, एक लड़का लड़की की स्टोरी है जिसमें एक लड़का बहुत कन्फ्यूज होता है। I lived my life in those few months. It started in spring and ended in winters. From the spring summery days to those cozy nights, I have enjoyed each and every moment from sunlight to snow, guys. Nice. He was 6 feet tall, dark, handsome, and an engineer by profession. What else a girl can ask for? He was the perfect man in my life. Just a smile of his makes my heart feel like it's going to run out of my chest. And I can still feel the warmth of blush spreading through my face. So, ये एक कहानी है जिसमें एक लड़की को बहुत अच्छा लगता है एक लड़के के बारे में, वो सोच रही है, बट स्टिल वो लड़की इतनी श्योर है कि उसके उसको अभी भी बटरफ्लाईज आती है जब भी उसका लड़के का नाम लिया जाता है, वो अपना फ्यूचर प्लान कर रही है, वेयर एज वो लड़का कहीं और किसी और से मिलता है, किसी और को देख रहा है। इस बात पे ना मुझे अपना लिखा एक शेर याद आता है, मैं सुनाना चाहूंगी कि इश्क के चर्चे आज भी जोरों पर हैं,
इश्क के चर्चे आज भी जोरों पर हैं मेरे उससे और उसके किसी और से। ये बहुत अच्छा था, शुक्रिया। सो व्हेन अ 30 ईयर ओल्ड गाय इज कंफ्यूज्ड, he loves spending time with you, he loves making out with you, he loves to go on long drives with you, but when it comes to future, why he has so much fear? When you talk about marriage, तो वो कहता है यार मैंने कभी सोचा नहीं, पता नहीं क्यों future दिखता नहीं, माँ बाप मेरे मानेंगे नहीं, तुम मांगलिक हो और ये गुण मिलेंगे नहीं। nice. वाह मेरे दोस्त, तुम तो बड़े क्लियर निकले, तो मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुनना कि अगली बार जब भी तुम प्यार करना तो अपनी मम्मी से पूछ के जरूर करना। बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी कॉन्वर्सेशन चल रही है लड़का लड़की की, कंफ्यूजन है हम दोनों, अभी भी कंफ्यूजन चल रही है। सी द आयरनी गाइज, वेयर अ गर्ल इज ड्रीमिंग अबाउट द चूड़ा बिंदी लहंगा लिपस्टिक एंड दो सेवन वोज, ऑन द अदर साइड हर मिस्टर परफेक्ट वाज स्वाइपिंग द फोटोज ऑफ गर्ल्स ऑन shaadi.com। कहां वो लड़की उसके सपने ले रही है, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, ये सच में हुआ है। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम तो मेरी चूड़ियों की खनखनाहट थे, तुम तो मेरी चूड़ियों की खनखनाहट थे, मेरे माथे की बिंदी तो मेरे होंठों की लिपस्टिक थे यार, तुम तो मेरे वो निक बेकर्स के फेवरेट रेनबो केक थे, बट ना जाने क्यों आज स्ट्रेंजर बन गए हो यार। एक लड़की अपनी दास्तान सुना रही है कि कहां इतना अच्छा रिलेशन होता था और फिर सब कुछ एकदम से लड़का बदल गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि लास्ट में हर आशिक वापस मुड़के जरूर आता है। तो फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, कंफ्यूजन का उसका अब दी एंड हो गया। अच्छा। आया मेरे पास तो रोता रह गया, पूछा उसको मैंने क्यों आए हो यहाँ, कोई कंफ्यूजन है जो ले आए हो यहाँ, कंफ्यूजन से तेरे मूव ऑन कर गई, लिखती हूँ तेरे प्यार में अब शायराना हो गई, नहीं चाहिए मुझे तू अब सोने का भी, भुला दिया मैंने तेरा वो किस्सा ही खत्म जो जिंदगी भर का मुझे सबक दे गया, लो आज मैंने ही तुम्हारी इस कंफ्यूजन का दी एंड कर दिया। वाह क्या बात है, मतलब ऐसा मुद्दा उठाते हो आप, ऐसी चीजों पे आप लिखते हो ना कि मतलब जो रियल लाइफ में हम देते हैं ये सारी चीजें होती हैं। तो आपने जो लिखा है इसको सुनने से कहीं ना कहीं जो मतलब हमारा यूथ है जिनके साथ ये चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि मूव ऑन करना सीखो, अगर नहीं है तो एक चीज के पीछे भागते नहीं रहना चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है यार, मतलब उसको आगे और आगे बढ़ो, है ना। तो बातें ऐसे ही चलती रहेंगी शालिनी के साथ, आप सुनते रहिए 107.8 FM देशभगत रेडियो, आपकी आवाज। स्वागत है आपका फिर से मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में, और हम बात कर रहे हैं शालिनी पुनिया से, जिनसे हमने बहुत ही खूबसूरत सी नज़में सुनी, शायरी सुनी। और अब मैं शालिनी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका कोई फेवरेट जैसे लेखक कौन है जिसको आप पढ़ती हैं अक्सर, वो बताइए मुझे। जॉन एलिया है जिनको मैं काफी पढ़ती हूँ, और आपने शायद ये नोटिस भी किया होगा कि मैंने जितनी शायरी या कुछ लिखी है वो उनसे मिलती जुलती ही है, जो लहजा है वो उनके जैसा ही है। हाँ, मतलब वो तो क्या लिखते हैं ना, वो तो बहुत अच्छा लिखते हैं। अगर आप उनकी शायरी सुनने बैठ जाओ ना तो आप, मुझे लगता है मुश्किल हो जाता है उठना कि बीच और से छोड़ के जाना। ज्यादा है जो उनका अंदाज है बोलने का वो आपको वहीं रोक लेगा। बिल्कुल सही, इस बात से मैं आपकी बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं उनकी शायरी पढ़ने लगती हूँ या सुनने लगती हूँ ना तो मेरे को अगर कोई बोल देना कि ये काम कर लो तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, मुझे उसको कंप्लीट करके जाना है। तो शालिनी एक चीज और बताइए मुझे कि कौन सी आपकी, जैसे एक किसी ना किसी की कोई इंस्पिरेशन होती है, मोटिवेशन मिलती है आपको कई लोगों से जो आप काम करते हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है लाइफ में? मेरी इंस्पिरेशन तो मेरे सबसे पहले तो पेरेंट्स से आते, क्योंकि एक इंसान सीखता ही अपने पेरेंट्स से है। बिल्कुल। तो मेरे फादर जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जो जीरो से आज इतने ऊपर उठे हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाई थी जी। वो थी कि पैसा एक ऐसी चीज है जो आता जाता रहता है जी। लेकिन जो एक लॉयल्टी होती है ना आपकी किसी इंसान के प्रति जी। वो एक बार चली गई या किसी वो ट्रस्ट चला गया तो वो कभी नहीं आएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने हमेशा से बोला था कि पैसों को तवज्जो इतनी मत देना जी,
ट्रस्ट लॉयल्टी बहुत मैटर करते हैं हर काम में, हर ये मैटर करती है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, है ना, हर चीज में. Okay. आप देखना, आप एक टाइम पे फर्श पे है तो एक टाइम पे अर्श पे हो, बिल्कुल, कभी अर्श पे तो फर्श पे हो, बट ये चलता रहेगा. पैसा तो आता जाता ही रहेगा, इंसान कमा लेगा, बट खोई हुई इज्जत, एक ट्रस्ट, एक लॉयल्टी, बिल्कुल, वो कभी नहीं कमा पाएगा. दूसरी, अगर मैं एक हार्डवर्किंग तरीके से देखूं, यस मेरे फादर है, मेरी मदर है जो बहुत हार्डवर्किंग है, बट मेरे हस्बैंड, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना हार्डवर्किंग इंसान नहीं देखा, बिकॉज ही इज 24/7 इनटू हिज जॉब. और उसके बाद भी वो आपकी शायरी भी सुनते हैं, वो शायरी भी सुनते हैं, और हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो जैसे ही टाइम मिलता है वो चंडीगढ़ आ जाते हैं या मैं दिल्ली चली जाती हूँ, हम ये भी करते हैं. बढ़िया बात है ये, मतलब इट्स वेरी गुड. तो अभी इसी बात पे, अभी क्योंकि आपके साथ बातें करते करते मुझे ना सच में पता नहीं चला कि शो खत्म करने का वक्त हो गया है, तो मैं जाते जाते ना आपकी एक और कविता सुनना चाहूंगी. जरूर सुनाऊंगी पिया मैं आपको एक कविता. जी. ये एक कविता है कि कैसे इंसान बदलता है. Okay. कैसे हर चीज बदलती है, जो एक फैक्ट है इस दुनिया का. जी. कि हर एक टाइम पे हर एक चीज बदलती है. जी. तो धीरे धीरे कैसे एक इंसान बदलता है. जी. सो ये स्टार्टिंग तो ये थी कि तू रिश्ता निभाने ना सही. जी. तू रिश्ता निभाने ना सही, अब उसे तोड़ने के लिए आ. Okay. बहुत याद आती है वो प्यारी बातें तेरी, अब मुझसे बात ना करने के लिए ही सही. चल नाराज होने के लिए ही आ. नाराज होने के लिए ही आ. एक बार आ तो सही, चाहे मेरी इस आस को तोड़ने के लिए. वाह क्या बात. इसकी शुरुआत ऐसे थे कि हाँ मैंने लोगों को बदलते देखा है, कि हाँ यार मैंने उसे बदलते देखा है. जी. शाम के प्यार को सुबह तक नफरत में तब्दील होते देखा है. वाह. उसे वो उसकी ही कस्मे वादे को तोड़ते हुए देखा है. हाँ मैंने वो बर्फ में ठिठुरते हुए सूखे पेड़ों के पत्तों को मुरझाते देखा है. कल तक जिसकी बाहों में मैं थी, आज मैंने उसी की बाहों में किसी और को देखा है. वो दोपहर में खिलते हुए गुलाब को शाम तक मुरझाते देखा है. हाँ हाँ मैंने बारिश के बाद उस रेनबो को देखा है. क्या उसका है? मुझे वो जोर से अपनी बाहों में जकड़ना और एक दिन फिर अचानक से मुझे छोड़ के जाना देखा है. हाँ मैंने उसकी मोहब्बत को बदलते देखा है. अपनी वो हंसी को चीखों में तब्दील होते देखा है, तो वो शिद्दत भरी मोहब्बत को नफरत में बदलते देखा है. हाँ मैंने उसे इंसान से खुदा बनते देखा है. हाँ तो मेरी वो ख्वाहिश थे जिसे मैंने अधूरा होते देखा है. हाँ तुम्हारे अधूरे इश्क में मैंने खुद को मुकम्मल होते देखा है. वाह क्या बात है. मतलब अगर कहीं पे कुछ नेगेटिविटी भी है तो आपने उसको पॉजिटिविटी में बदल दिया, कि चाहे कुछ भी है मैंने खुद को मुकम्मल कर लिया है ना, और मूव ऑन कर गए, है ना. तो मुझे लगता है कि आपकी जो अभी तक हमारी जो बातचीत हुई है उसमें मुझे यही है कि कहीं ना कहीं इंसान को, आपकी कविताओं के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंसान को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बना के रखनी चाहिए. बहुत जरूरी है ना, वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए. और लाइफ अगर आपको कुछ झटका भी देती है तो यार आपको उसका सामना करना चाहिए, उससे डर के भागना नहीं चाहिए. जो मैंने खुशी खुशी करनी चाहिए. और क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि अच्छा होता ही है ना? होता ही है, लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि आप जिसके पीछे जितना भागोगे वो चीज उतनी दूर जाती रहेगी. इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे चलते रहना दीजिए और खुद पे ट्रस्ट रखिए, है ना. थैंक यू सो मच शालिनी हमसे बात करने के लिए, हमारे शो में आने के लिए. थैंक यू सो मच पिया फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड थैंक यू सो मच देशभक्त रेडियो. मुझे बहुत अच्छा लगा. इट इज लाइक अ ड्रीम कम मोमेंट फॉर मी कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, शायरी हुई, तो बहुत ही खूबसूरत मेरी ये शाम निकली है यहाँ पे. थैंक यू सो मच. और ये थी मिसेस शालिनी पुनिया, जिनसे हमने बातें की. और अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में. तब तक सुनते रहिए 107.8 FM देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज़.